उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे पीयूष गोयल और गोपाल सेट्टी का कट गया टिकट। इसके बाद गोपाल सेट्टी ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, आइए नजर डालते हैं समाचार की खास रिपोर्ट पर। करेंगे एक दो दिन धरना आंदोलन करेंगे, इस प्रकार के धरना आंदोलन पार्टी के नेताओं ने और हम लोगों ने बहुत देखा है, हम लोगों ने भी किया है। स्वाभाविक है, इतने लंबे समय से जिन कार्यकर्ताओं के साथ में काम किया तो उनको थोड़ा शौक लगना ये स्वाभाविक है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार 7 बार मेरे जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना और शानदार ढंग से जीतना और फिर उसके बाद में उससे शानदार ढंग से काम करना, जनता और कार्यकर्ताओं का सपोर्ट प्राप्त करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए जो प्राप्त हुआ है उसको दिल और दिमाग में रखकर मैं आगे का जीवन जी पाऊंगा। और अभी आज सवेरे ही मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा निर्णय होने वाला है, तो उसके बाद में मैं नेस्को में एक बहुत बड़ा उद्घाटन किया। उसके बाद में बांद्रा मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष चैटर्जी को जाकर मिला। अभी शाम को एक मलाड़ में चौक का भूमि पूजन करके आया इस इंद्रायन 3 का। और मैं ऐसे ही काम करते रहूंगा क्योंकि मैं काम करने के लिए पैदा हुआ और पार्टी में मैं काम करने के लिए आया था, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं आया था, कोई पैसे बनाने के लिए नहीं आया। और मैं आज थोड़ा सुकून महसूस करता हूं कि मैं बहुत बड़े तनाव से भी मुक्त हो गया, क्योंकि मैं पार्टी के बंधन में काम करना पड़ता था एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बहुत सारा काम करने के बाद भी कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार का सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था, तो थोड़ा मन की खुलकर बात नहीं कर पाता था, तो उससे भी मैं मुक्त हो गया हूँ। लेकिन एक बहुत लंबे समय में कार्यकर्ताओं ने बहुत साथ और सहयोग दिया, इसलिए उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा और आने वाले दिनों में उनकी सेवा करते रहूंगा। मैं नगरजनों को भी ये बात बताना चाहता हूँ, पीयूष गोयल जी एक सक्षम व्यक्ति है, पहले जैसे ही जिला चलेगा मैं तो ये कहूंगा कि पहले से अच्छा चलेगा। अच्छा इसलिए चलेगा कि पीयूष गोयल जी काम करेंगे, हमारे इतने सारे विधायक है, इतने सारे नगर सेवक लोग काम करते हैं और मैं भी एक माजी नगर सेवक के रूप में काम करते रहूंगा। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो जिज्ञासा है लोगों को काम करने का, लोगों को मदद करने का, ये हमेशा कायम रहेगा, उसमें कोई किसी ने चिंता व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सांसद नहीं हूं तो मुझे जो सरकार का फंड मिलता है डेवलपमेंट का काम का वो नहीं मिलेगा, बाकी तो सब मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो इच्छा है काम करने का वो तो मैं करता रहूंगा ना। किसी भी गरीब आदमी के ऊपर अन्याय होगा तो बिन बुलाए पहले जैसे ही दौड़कर जाकर काम करूंगा, ये मैं जनता को कहना चाहता हूं। एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी जिस प्रकार से देश के लिए काम कर रहे हैं उनका हाथ हम सब लोगों ने मिलकर बड़ा मजबूत करना चाहिए। थोड़े समय के लिए मंदुख होगा, ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन सब लोगों ने अपने मोड में आकर फिर एक बार पहले जैसे ही नहीं तो पहले से अच्छा काम करके फिर एक बार उत्तर मुंबई की जीत हम लोग सब लोग मिलकर शानदार करें, यही मैं भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। सर यहाँ के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ऐसी मांग है कि जिस सीट को आपने सुरक्षित किया उसी सीट को सरकार की तरफ से किसी और को दिया जा रहा है, उसे वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, खाली समझ होती है लोगों का। जब मैं भी पहली बार लड़ा था नगर सेवक के रूप में तो किसी को हट करके ही मुझे टिकट दिया ना, मुझे विधायक बनने का पार्टी ने मौका दिया, उस समय भी पार्टी के विधायक को ही काट कर मुझे टिकट दिया, मैं सांसद बना, ये सारा होता है ना। जो दूसरों के साथ में हुआ वो मेरे साथ में हुआ, उसमें चिंता क्या करने का। हा? मैंने किसी को रिप्लेस किया, कोई मुझे रिप्लेस करता है, ये तो सिस्टम का एक भाग है। सांसद जी आप इतने प्रोजेक्ट को लेकर एक साथ चल रहे थे लगातार, आपने पिछले एक हफ्ते से भूमि पूजन उद्घाटन सारी चीजें हुई है, आपका विजन बहुत दूर तक है लेकिन सारे विजन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस वे से आपने काम किया वो वे नहीं कर पाएगा। बिल्कुल पानी फिरेगा नहीं, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। मोदी जी 10 गारंटी देते हैं तो गोपाल सेट्टी एक बात की तो गारंटी दे सकता है ना। पहले से अच्छा उत्तर मुंबई चलेगा, पहले से जैसे ही न्याय लोगों को मिलेगा, इसके बारे में किसी ने चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये मेरा वचन है। क्योंकि मुझे जो कुछ भी आज नॉलेज है ये जनता ने और पार्टी के बदौलत मुझे मिला है, तो मैं लोगों के लिए स्वा करूंगा आने वाले दिनों में। सर गाने के मसीहा कहे जाते थे आप, लेकिन अब किसको कहा जाएगा, अब किसको बोला जाएगा सर? अरे मसीहा मसीहा होता है, अब उसमें क्या होता है, वही परंपरा कल से चालू रहेगा। कल आप आइए इधर, मुझे आप काम करते हुए देखोगे। सर जनता इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रही है सर? जनता में, मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता है, जनता है, थोड़ा समय लगेगा उनको ठीक ठाक होने में, लेकिन होंगे। इस प्रकार के झटके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने बहुत सारा देखा है, ये कोई नया नहीं है, इसलिए दो दिन चार दिन में सब ठीक ठाक हो जाएगा। लोगों के बीच फिर बनते आएंगे ना, सबके सामने फिर काम होता रहेगा क्या?